सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक मेहमान था, वो अपने दोस्त के घर गया। दोस्त नई नई शादी हुई थी, दिल्ली में रहता था। नई नई शादी हुई थी दिल्ली में रहता था और दोस्त आया और उसकी पत्नी ने, जो जिसके घर में गया था, दोस्त की पत्नी ने, जिसकी अभी शादी हुई थी और उस व्यक्ति के दोस्त आया था, कोई गांव से आया था। तो भाभी जी ने पूछा अपने पति से, ये कौन है, शादी में तो नहीं देखा। हाँ, मेरा थोड़ा दूर का दोस्त है, वो मिलने आया, किसी काम से दिल्ली आया है। तो मैंने कहा हमारे फ्लैट में रुक जाओ, प्यार से बोलो, और वो रुक गया। और दिल्ली वाले खातिरदारी इतनी अच्छे से करते ना, खूब अच्छा खिलाते, इतना टेस्टी भोजन खिलाते, मन करता है खाते रहो। जैसे आप लोग खिलाते हो ना, वैसे भाभी जी ने खिला दिया। अब दोस्त ने सोचा यहाँ तो बढ़िया है, फ्री में खाने को मिल रहा है, और क्या चाहिए। खूब खाया। सुबह उठता है तो भाभी जी चाय बना दो और चाय के साथ में ऐसा ऐसा ये बना दे। भाभी बना दी। दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, चार दिन हुआ, पांच दिन हुआ, मेहमान तो गया ही नहीं। अब भाभी को आया बड़ा गुस्सा और अपने पति से बोली, आपका ये दोस्त कब तक रहेगा, अब उसे भगाओ। अब पति बोला कि ऐसे कैसे भगा दें, कोई आया है हमारे पास में तो उसको थोड़ी बोल देंगे तुम चले जाओ, तुम बहुत रह ली, बहुत खाते हो, ऐसा नहीं बोल सकते। चलो तुम नहीं भगा सकते तो हम कुछ उपाय निकालें। दूसरे दिन हुआ, दोस्त खा के अच्छे से बैठा हुआ था सोफे पर, टीवी देख रहा था। अब भाभी ने अपने पति को अंदर बुलाया कक्ष में, एक डंडा दिया। पति बोला क्या करना है, मारना है मुझे, नहीं गद्दे को, प्यार से बोलो, गद्दे को मारना है, जोर जोर से मारो। अब लॉक लगा ली और उसके बाद में डंडा लिया, गद्दे को खूब मारा। पत्नी चिल्लाने लगे, मारे रे पिट रे, खूब जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। और उसके बाद में पत्नी रोने की एक्टिंग करती है। थोड़ी देर बाद बाहर निकल के देखा तो मेहमान गायब, बैग भी नहीं मिला। उसने सोचा कि इस घर में इतना झगड़ा है, यही सोच था। भाभी बोलती हैं कि मेहमान ने सोचा होगा इस घर में इतना झगड़ा है इसलिए वो चला गया, मैं काय को झगड़ा में पड़ूं। अब थोड़ी देर बाद पति पत्नी बात करते हैं, देवी मैंने तुम्हें इतना मारा तुम्हें लगा ही नहीं। पत्नी बोली, मैं आपने इतना मारा मुझे लगा नहीं और मैं रोई नहीं। थोड़ी देर बाद एक आता है, मैं भी गया ही नहीं।